हेलो फ्रेंड, मैं आज बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा। उसमें फुल वेजिटेबल भर के बनाऊंगी, जिसमें मैंने यूज़ किया है टमाटो, ये है कुकुम्बर, ये कैरेट, कैप्सिकम, ये ऑनियन, ये सबको मैंने पतले पतले स्लाइस में काट लिया है। मैदे की जगह मैं ये आटे का यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने पहले से तैयार कर रखा है। इसमें नमक, अजवाइन और प्याज मिक्स कर रखा है पहले से ही। और ऑर्गेनो की जगह मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ सूखी हुई ड्राई लीव्स, जैसे कि मेथी की है ये और ये पुदीने की है। इनको मैं ऑर्गेनो की जगह यूज़ करूँगी। सॉस में मैं बस ये पास्ता, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस यूज़ करूँगी। और स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये मैंने बेल लिया है, अब इसको मैं तवे पे ये सेकूँ या तो उसमें मैं एयर फ्रायर में ही बनाऊँगी, तो आप तवे पे ही सेक सकते हैं। मैंने प्री हीट के लिए इसको रख दिया था, ये हीट हो गया है, ये मैंने इसमें सेट कर दिया है। ये थोड़ा सा दोनों साइड से पका लेना है। इसको मैंने 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए सेट किया है। 1 डिग्री मैंने इसको पहले से प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अब ये वन साइड से जब पक जाएगा मैं दोबारा इसको खोल के पलटूंगी। तब तक दूसरी वाली रेडी होती है, तब तक मैं इसको बना दिखाती हूँ जो तवे पर मुझे बनानी है। इससे थोड़ा सा फ्रॉक से आप इससे ऐसे डिज़ाइन दे सकते हैं, जिसमें वैसे तो ये फूलेगी नहीं, ये नॉर्मल में यूज़ करते हैं इस तरह से, लेकिन मैं इसमें भी कर दे रही हूँ, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे। ये बन गया। अब ये तवा गर्म हो गया, इस पर डाल देते हैं। देखिए तवे पर हो रही है। इधर मैं अपनी इस वाली को देख लेती हूँ, ये कितनी हो गई है। ये पलटने के काबिल तो हो गई है, इसको पलट देते हैं। ये वन साइड से पक गई है, एक साइड से और कर देते हैं। थोड़ी देर बाद इसको करेंगे, तब तक मैं इसको चेक कर लेती हूँ। अभी ये थोड़ी सी टाइम लगेगा मेरे ख्याल से, अभी ये हो गया है, इसको देख लेते हैं। हाँ, ये अभी ये निकाल के मैं इसमें सॉस लगाऊंगी। बहुत आराम से निकालना है, बहुत ही गर्म है ये, इसके लिए मुझे प्लेट यूज़ करनी पड़ेगी। प्लेट निकाल के गर्म है, इसको इधर निकाल लेते हैं, इसको वन साइड कर देते हैं। अभी अब इसमें सॉस लगा लेते हैं अच्छे से। बहुत ज़्यादा सॉस भी नहीं लगाना है, इतना सॉस की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें जो नमक वगैरह पहले से ही मिला दिया था, अब इसको इसमें स्लाइस सारी बिछा देनी है। मेरे बेटे को ये वाला ही पिज़्ज़ा पसंद है, उसको मैं बाहर का बनाया हुआ नहीं ला कर देती हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहता है उसके लिए। उसको पसंद भी आता है ये वेजिटेबल से भरा हुआ। वैसे वेजिटेबल नहीं खाता है, लेकिन पिज़्ज़ा में डाल दो तो खा लेता है आराम से। ये मैंने सारा डाल दिया है, कुकुम्बर डाल दिया है, अच्छे से जितनी आप वेजिटेबल उसको डालना चाहते हैं अपने हिसाब से, कम ज़्यादा जैसा भी हो डाल सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा जो मैंने ड्राई पत्तियाँ यूज़ करनी थी पुदीने की हल्की सी डालनी है, थोड़ा सा हल्का सा मेथी की डाल देनी है। दोनों को मिक्स करके ऐसे से डाल देना है। चीज़ की ज़रूरत नहीं है, चीज़ हम डाल देंगे भी नहीं, क्योंकि बिना चीज़ के ही बनाना है, तो वैसे ही अब इसको फिर से इसमें रख देंगे अच्छे से, जिसमें ये आराम से रख जाएगा। ये देखिए हो गया, इसको इसमें सेट कर देते हैं। ये तरफ हो रहा है, इधर ये तवे वाला भी वन साइड से पक गया है, इसमें भी सॉस डालना है। जिस साइड से ज़्यादा पका है उसको इस साइड कर देते हैं, तवे में जिस साइड से पका था, अब इस साइड वो लगाते हैं सॉस। ठीक है, इसे अच्छे से लगा देना चारों तरफ, कम ही लगाना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें स्लाइसेस ऑनियन, कैप्सिकम, टमाटर, टमाटो भी सारी डाल देना है, कुकुम्बर भी डाल देना है। अच्छे से चारों तरफ अच्छे से बिछा दीजिए। ये कैरेट भी डालना है, क्योंकि बहुत पतले पतले स्लाइस हैं, आराम से पक जाएंगे। जितनी वेजिटेबल हमने काटी इसको अच्छे से इसमें डाल देना है।
कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं, सारे वेजिटेबल डालने जिसमें वो वेजिटेबल भी खा सके अच्छे से। अब ये ऑरेगानो जो मैंने तैयार किया था इसमें भी डाल देना है, ये मैंने डाल दिया है। अब इसको भी अच्छे से इसमें रख देंगे, ये मैंने तवे पे रख दिया। अब इसको ना थोड़ा सा ढक देना है किसी बर्तन से जिसमें ये पक सके, ये मैंने ढक दिया है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं ये कितना हो गया। हो रहा है, बस इसमें चीज़ डाल देंगे तो सेम वैसे ही लगेगा। अभी तो वेजिटेबल पक रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मैंने 15 मिनट के लिए सेट किया था, अभी तो 10 मिनट्स बाकी हैं। ये देखिए एयर फ्रायर का तो मैं पक ही गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये एयर फ्रायर में जल्दी पक जाता है। इसका पक गया है, इसका अभी सेट अभी ये नहीं हुआ है, इसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसकी वेजिटेबल अभी पकी नहीं है, लेकिन एयर फ्रायर का पक गया है ये फेयर वाला रेडी हो गया। ये देखिए, इसमें अगर आपको लगना है कि थोड़ा सा डेकोरेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसमें मलाई डाल दीजिए हल्का सा ऊपर से, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा वैसा दिखने लगेगा मार्केट जैसा। ज़रूरत नहीं है मार्केट जैसा दिखाने की, हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है देखना। ज़रूरी नहीं कि बाहर की चीज़ें ही डाल के उसको सुंदर बनाया जाए, खाने में बस टेस्टी होना चाहिए। ये देखिए भी इधर ये भी रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में, ये पक गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सही रह गया, ये भी पक गया। इसकी रोटी थी कि नीचे से पक गई है पूरी तरीके से, और टमाटो भी पक गया है अच्छे से, शिमला मिर्च थोड़ी सी रह गई है, थोड़ी देर के लिए इसको और ढक देते हैं और ये अच्छे से रेडी हो जाएगा। अगर आपको ये पसंद आई हो डिश तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स।